हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और इस वीडियो में आपको मैं बीटीएस के बारे में बताऊंगा कि कल जो बीटीएस आपका होने वाला है उसकी टाइमिंग क्या है और साथ ही साथ उसका सिलेबस क्या है। कल जो आपका बीटीएस का टेस्ट होना है यानी बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का टेस्ट होना है 1 फरवरी को, उस टेस्ट में आपके 20 चैप्टर आएंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। इसमें पहली यूनिट जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है इसके 3 चैप्टर रहेंगे, दूसरी यूनिट जो आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन उसके 3 चैप्टर रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर रहेंगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के 3 चैप्टर रहेंगे, द लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर रहेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल के 3 चैप्टर रहेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी के शुरुआत के 2 चैप्टर रहेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो करीब 7 यूनिट के 20 चैप्टर्स इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन किया है तो आप ऑनलाइन जाके इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, कल ये लाइव होगा जब उसके बाद से, और अगर आप गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ये टेस्ट आप कल 4 में से किसी एक टाइमिंग में दे सकते हैं। पहली जो टाइमिंग है दैट इज 1:40 to 2:40 PM, दूसरी जो टाइमिंग है ये 2:50 से 3:50 तक आप दे सकते हैं, तीसरी जो टाइमिंग है 4 से 5 बजे के बीच में आप दे सकते हैं, और जो चौथी टाइमिंग है ये 5:10 से 6:10 के बीच में आप दे सकते हैं। यानी 4 में से किसी एक टाइमिंग में आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट 1 घंटे का होगा जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे और बीटीएस के 7 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, तो बीटीएस का 8वां टेस्ट यहाँ पर होगा। अगर आपने इस टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन इसे ज्वाइन कर सकते हैं www.gangwarinstitute.com पे जाके। वहाँ पर बायोलॉजी टेस्ट सीरीज है, फिजिक्स टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पूरे टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं यानी जो कंबाइंड टेस्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीएस का जो टेस्ट होता है ये पूरी तरीके से आपके नीट के पैटर्न पर बेस्ड होता है और मेनली हम कोशिश करते हैं कि आपका जो सिलेबस हो, जो क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो और उसी तरह के क्वेश्चन हो जैसा कि आपसे नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछले 7 टेस्ट नहीं दिए हैं तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ने टेस्ट ज्वाइन किया है तो कल इस टेस्ट को आप दीजिएगा। इसमें 20 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं उन 20 चैप्टर से 90 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा जिस 1 घंटे में आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।